प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे डोबी, तूने पेंट की जेब चेक की होती तो तुझे इसमें से सोने का बिस्किट मिलता। हाँ, तुझे जो बिस्किट मिला है वो अपना ही है। मैं लाया था तेरे लिए, आज वो लेडीज डे, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर तुझे गिफ्ट देने के लिए। तो क्या हुआ, तूने सुबह बिना देखे पैंट धो दिया और फिर ऊपर ऐसे सुखा दिया तो पैंट की जेब में से बिस्किट सड़क के नीचे गिर गया। दया, क्या हो रहा है? आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा। संभल, आ जा, बैठ। क्या हुआ दया? वो सोने का बिस्किट सच में अपना ही है। हाँ? बाबा तुझे। अरे एक बार तो तू बोले बालकनी में, कितनी बार बोलेगी? चक्कर आ रहा है टप्पू के पापा। अरे चक्कर को मार गोली, मुझे हार्ट अटैक आ जाता अगर ये बिस्किट तेरी जगह किसी और को मिलता। अच्छा हुआ तुझे ही मिला। बाबा जी, मैं हमारा ही बिस्किट पुलिस स्टेशन में दे आई। जा दे, वो बिस्किट लेके मुझे दे, फिर मैं अपने हाथों से वो बिस्किट तेरे हाथों में रखूंगा। लेडीज डे, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट। कैसे बताऊं टप्पू के पापा को कि सच क्या है? क्या हुआ, क्या सोच रही है? जा लेके। अच्छा चक्कर आ रहे थे, अच्छा मैं लेके आता हूँ। कहाँ रखा है वो सोने का बिस्किट? अब मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? क्यों, कब, कैसे? शांति शांति रखिए। शांति की मासी, रुक रुक, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, आप चिल्ले तो मैं जरा डर गई। तो अभी जल्दी बता वरना और डरेगी तू। बताती हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? बापू जी, इसने अपना सोने का बिस्किट पुलिस स्टेशन में जमा करके आई। वो सोने का बिस्किट हमारा था। हाँ? आज वो लेडीज डे, हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ भैया, हैप्पी वुमेन्स डे। तो मैं दया को गिफ्ट देना चाहता था, इसके लिए मैं लेके आया था। वो बिस्किट मेरे पैंट में था, अभी इसने आज सुबह बिना देखे वो पैंट धोने में डाल दिया और पैंट बालकनी में सुखा दिया।
तो पेंट की जेब में से बिस्किट सरक कर नीचे गिर गया। अरे लेकिन तू बहू के लिए सोने का बिस्किट लाया था तो उसे दिया क्यों नहीं? अरे बाबूजी कल रात को मैं दुकान से आया तो बार बार वो बाघा का फोन आ रहा था तो बाघा का टेंशन में मैं भूल गया और रात सुबह सीधा वापिस निकल गया उसमें भूल गया। इसीलिए मैं हमेशा तुझे कहता रहता हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा और जल्दबाजी हमेशा काम बिगाड़ते हैं। और बहू ये बबू चक तो भूल गया लेकिन तुझे भी तो ध्यान रखना चाहिए। तुम तो सॉरी बापूजी। अच्छा बापूजी एक बार चलो ये बिस्किट गिर गया तो भगवान के दया से वापस उसको ही मिला। इसकी अक्ल तो देखो, ये जाकर पुलिस स्टेशन में जमा करके आई। अरे पुलिस स्टेशन में जाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था अनजाने में हुआ है ये सब। अब एक काम करो, तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाओ और सोने का बिस्किट वापस लेके आओ। हाँ, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी आती हूँ का क्या मतलब है? तुझे तो पहले आना पड़ेगा दया। जा पैंट लेके आ। अब दूसरा पैंट पहनिए ना, वही पैंट पहनना जरूरी है। उसमें सोने के बिस्किट का बिल भी है। लेकिन पैंट की तो धुलाई हो गई, तो पैंट के साथ वो बिल का भी डूचा हो गया होगा। अरे डूचा पुलिस को बताने के लिए कुछ तो प्रूफ होगा हमारे पास। अभी क्या किया? नहीं, उसी बात के लिए सॉरी। अरे चल ना भाई अभी सॉरी। चल। एक मिनट रुक, मैं तो सबको भी साथ में ले लेते हैं। अरे जेठा भाई, दया भाभी आइए, अंदर आइए। नहीं अंदर नहीं आना, बाहर जाने। अंजलि भाभी ब्रिगेडियर साहब को बुलाइए। किसको? फायर ब्रिगेडियर। जेठा भाई तारक आग लगी, यानी जेठा भाई आए, जल्दी आओ, आ रहे हैं। क्या हुआ भाई, कहाँ आग बुझानी है? अरे 2.25 लाख की आग लगी है मेहता साहब। मतलब ये दया को जो सोने का बिस्किट मिला था ना, वो हमारा ही है। क्या सोने का बिस्किट आपका था और आप सबको पूछ रहे थे कि किसका है किसका है? चलिए कोई बात नहीं, अब तो बिस्किट मिल गया ना, घी आखिर खिचड़ी में ही गिरा। अरे नहीं भाई, घी पुलिस स्टेशन में गिरा है। मतलब ये सोने का बिस्किट पुलिस स्टेशन में जमा करके आई है। हे भगवान, क्यों? मतलब क्या हुआ, क्या बताओ ना। हाँ जेठालाल, आखिर कहानी क्या है? अब चलो मैं रास्ते में सब बताता हूँ, लंबी कहानी है। चलो अंजलि, मैं कुछ देर में आता हूँ। तारक मैं भी साथ में चलती हूँ। अरे नहीं, हम लोग हैं ना, और कोई जरूरत हुई तो मैं फोन करता हूँ। ठीक है, टेक केयर। पाटिल, मैडम को आज घर नहीं जाना क्या? हाँ, जब तक वो नहीं जैसी तब तक आप भी नहीं जा सकते। नमस्ते इंस्पेक्टर भाई। नमस्ते नमस्ते ईमानदार मैडम। ये मेरे पति है, टप्पू के पापा। जेठालाल चंपकलाल गढ़ा। अच्छा, तो टप्पू के पापा का नाम है जेठालाल गढ़ा जी, और ये हमारे फैमिली फ्रेंड है तारक भाई मेहता, बहुत बड़े लेखक है। जी नमस्कार, मैं तारक मेहता। नमस्कार नमस्कार। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए।
अरे नहीं दया भाभी, आप बैठिए और तुम भी बैठो जेठालाल। अरे पाटिल एक चेयर ला। चेयर ला, बैठो बैठो बैठो। हाँ तो बताइए कैसे आना हुआ? ओ ये दया, ओ गोल्ड का बिस्किट इधर देखे गई ना, वो दरअसल हमारा ही है। ओ क्या हुआ कि इसको पता ही नहीं कि वो लेडीज डे के ऊपर हैप्पी वुमेंस डे। हाँ भाई शांति रखना भी भाई, वो हैप्पी वुमेंस डे के ऊपर वो गोल्ड का बिस्किट मैं इसको गिफ्ट देने के लिए लेके आया था। उसे लगा किसी दूसरे का है तो वो पुलिस स्टेशन में आके जमा करवा के गई। इंस्पेक्टर साहब, तो हमारे पास उस गोल्ड बिस्किट का बिल भी है, आप चाहे तो देख लीजिए। जेठालाल असल में ये बिल पैंट में रह गया था, जेठालाल की पैंट धुल गई तो बिल थोड़ा सा गीला होके फट गया, लेकिन ओरिजिनल बिल आप देखिए। मेहता साहब आप लेखक हो ना? जी हाँ जी हाँ। तो आपने ही ये कहानी इनको बना के दी? कहानी क्या मतलब है सर, कोई कहानी नहीं बनाई है। ये बिल्कुल सच है, ये गोल्ड बिस्किट जेठालाल ने खरीदा जिसका बिल इनके पास है। हाँ। सच में टप्पू के पापा सच कह रहे हैं। दया बेन आप सच्ची और भोली हो। अरे आपको सोने का बिस्किट मिला, आपने पुलिस को दिया, पति घर पर आए आपने हकीकत बताई, इनके मन में लालच हुई और इन्होंने कहानी बना डाली और आपने मान ली। नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा ऐसे नहीं है। क्या मैडम, दोपहर को आपकी तारीफ की और अभी आप अपने पति की बातों में आकर झूठ बोलकर औरत जात पर तमाचा मार रही हैं? सीनियर मैडम। इंस्पेक्टर साहब मैं आपकी बात समझता हूँ कि आपके पास तो दिन भर में ऐसे कई केस आते होंगे, हर आदमी अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कहता होगा। अब सब पे तो आप यकीन नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन आप हम पे यकीन कीजिए प्लीज। हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं और हम सारी बातें समझते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जेठालाल बिल्कुल लालची नहीं है और जो ये कह रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल सच है, ये गोल्ड बिस्किट इन्हीं का है। अच्छा, जिसके पास से मैंने गोल्ड का बिस्किट लिया वो ज्वेलर के पास इसका डुप्लीकेट बिल होगा। हाँ आप बोले तो हम मंगा दूं। 100-100 रुपए में डुप्लीकेट बिल बनते हैं और छपते हैं। ताजमहल का बिल दूं क्या? अरे डुप्लीकेट बिल के चक्कर में एक आदमी अभी अभी अंदर है, वो देखो। अच्छा तो मैं और जगमग ज्वेलर का मालिक दीपक भाई से बात करवा दो, उनसे पूछ लीजिए कि कल मैंने ये गोल्ड का बिस्किट उनसे लिया है कि नहीं। जी इंटरेस्टिंग, उस ज्वेलर को भी शामिल कर लिया इस नाटक में। मैं तो सब अभी इनको कैसे यकीन दिला ये बिस्किट हमारा ही है। तो आप प्रूफ करो कि ये बिस्किट आपका है। प्रूफ क्या करने का है, बिस्किट हमारा ही है। और प्रूफ कैसे करो, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, आपको डुप्लीकेट बिल नहीं देखना है, आपको ज्वेलर से बात नहीं करनी है, तो प्रूफ मैं कैसे करूं? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आपकी कसम खा के मैं कहता हूं कि ये गोल्ड का बिस्किट मेरा ही है। कल को मेरी कसम खा के कहोगे कि कुतुब मीनार मेरा है? कुतुब मीनार तेरा हो गया क्या? कुतुब मीनार का मैं क्या करूंगा? चल सीधी तरह घर निकल वरना तुम्हें अंदर डाल दूंगा। ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है।
हमेशा गड़बड़ करती रहती है, अक्ल ही नहीं है तुझमें। जेठालाल, अरे इतनी भी क्या जल्दी थी पुलिस स्टेशन आने की, मेरे आने तक रुक नहीं सकती थी। नॉनसेंस, शट अप। औरत को डांटते हो, वो भी वुमेंस डे पर। पुलिस स्टेशन में सबके सामने इतना डांटते हो तो घर में तो अकेले में पीटते होगे। बीवी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ये तो पता नहीं है, और कह रहे हो कि वुमेंस डे पर गोल्ड बिस्किट गिफ्ट मिलाए हो। दया बहन, ये गले में जो सोने का हार पहना है वो आपको किसने दिए? मेरी माँ ने दिया है। और ये सोने की अंगूठी? मेरे वीरा सुंदर ने। और ये सोने के कंगन? ये तो सासू मां के है। मतलब इसका दिया हुआ कोई सोना नहीं है और तू 10 तोले का सोना देगा? अरे भाई बहुत सोना दिया है, मना बैंक का लॉकर में पड़ा। अरे बोलने भाई तू। हाँ, वो क्या बोलेगी, वो भारतीय नारी है, जो पति बोलेगा वही वो बोलेगी। बेईमान, लुच्चे, जुल्मी पति, जिसने आज तक बीवी को कोई गिफ्ट ना दिया हो, सबके सामने इतनी बुरी तरह से डांटता हो, अरे वो क्या बीवी से प्यार करेगा? ऐसे लालची इंसान का प्यार भी झूठा होता है। ऐसे लालची इंसान को तो अंदर डाल के फटके लगाने चाहिए। बेईमान लालची। दोस्तों, ईश्वर ये स्थिति किसी को ना दिखा कि कोई चीज आपकी है, चीज के मालिक आप हैं, लेकिन चीज किसी और के पास है। अब आप पे जिम्मेदारी है कि आप साबित करें कि ये चीज आपकी है। मेरे दोस्त जेठालाल के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। आप तो जानते ही हैं, उनका खुद का गोल्ड बिस्किट, लेकिन दया भाभी ने पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। अब जेठालाल परेशान है ये साबित करने के लिए कि भाई ये बिस्किट मेरा है, लेकिन पुलिस है कि मानने को तैयार नहीं। जिंदगी में ऐसा होता है, कई बार चीजें हमारी होती है लेकिन हम साबित करने में असफल हो जाते हैं कि हमारी है, और हम उन्हें वापस नहीं ला पाते। जैसे हमारा हिंदुस्तान, कितने खजाने, हीरे, जवाहरात, माणिक, पन्ने विदेशों में है लेकिन हम वापस नहीं ला पाए। हमारे देश का इतना सारा काला धन जो स्विस बैंक में है, हमारा देश वापस नहीं ला पाया। और मुझे तो आने वाली स्थिति ऐसी लगती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश की हमारी कई धरोहर जो विदेशों में पेटेंट हो जाए, और हमें ही साबित करना पड़े कि हमारा आयुर्वेद हमारे यहाँ पैदा हुआ और किसी ने वहां पेटेंट करा लिया, तो योग हमारा है, वो योगा हो गया तो हमारे घरेलू नुस्खे, हमारी दवाइयां, हमारी धरोहर की बहुत सारी ऐसी चीजें, कल को ऐसा ना हो कि विदेश में चली जाए, वो लोग पेटेंट करा लें और हम वापस लाने में नाकामयाब हो जाए। हमारे देश का कोहिनूर हीरा जो हमारे देश की धरोहर है लेकिन हम वापस नहीं लौटा पाए, वापस नहीं ला पाए। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि ये कोहिनूर हीरा, ये हमारी धरोहर, हम वापस ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। मैं जानता तो ये भी नहीं हूं कि ये गोल्ड बिस्किट जो जेठालाल का पुलिस स्टेशन में जमा है, इसे जेठालाल वापस प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, आपके और हमारे बीच जो हंसी का रिश्ता है ये हमेशा बना रहेगा। आप हंसते रहेंगे और हाँ, सोचिए जरूर कि अब क्या होगा, ये सोने का बिस्किट मिलेगा या नहीं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.